So we'll understand the concept of angular SHM by comparing linear SHM. You remember linear SHM mein, I had displaced this bob by a small distance x towards right, and restoring force was acting to the left. And we have seen that x increases, f also increases, but they are oppositely directed. And therefore, f is proportional to minus x, f equal to minus kx. Isko chhod diya to kya karta tha ye? It used to go to the left, right, you know, to and fro motion. Now imagine this disc which is being suspended by a thin wire. Alright, this disc ko, जैसे हम लोग इसको यहाँ पे फोर्स ले जाते थे, किसको, इसको यहाँ पे साइड पे लेके जाते थे, इसको सपोज मैं ऐसे अप्लाई करता हूँ टॉर्क इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सपोज उस साइड, तो ये क्या करता है मालूम है, ये डेवलप करता है रीस्टोरिंग टॉर्क. और हमको पता चलता है थोड़ा थीटा करना हो ना, थोड़ा सा एंगल से टर्न, तो ये भी थोड़ा अप्लाई करना पड़ता है. लेकिन जैसे जैसे ये ज़्यादा अप्लाई करते हैं तो रीस्टोरिंग टॉर्क भी बढ़ता जाता है. मतलब व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ऑलराइट, यहाँ पे माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता था, रीस्टोरिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट इन डायरेक्शन. तो यहाँ पे रीस्टोरिंग टॉर्क एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट इन डायरेक्शन. और एक बार ले जाके जब उसको छोड़ देते हैं तो व्हाट हैपेंस, दिस डिस्क यू नो स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग लाइक दिस, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, इस तरह से ट्यू 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 ऐसा मोशन करते हैं. तो व्हाट यू आर सीइंग दैट इज नथिंग बट एंगुलर SHM. राइट, तो यहाँ पे क्लॉक पार्टली क्लॉकवाइज पार्टली एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे टू एंड फ्रो रिपीटेड टाइप, यहाँ पे पार्ट ऑफ इट, क्योंकि दिस रिस्टोरिंग टॉर्क, जैसे यहाँ पे क्या होता था, फोर्स यहाँ जाता था तो वापस उसको यहाँ लाता था, फिर यहाँ के वापस यहाँ, तो उसी तरह से टॉर्क क्या होता था, यहाँ पूरा होने के बाद में फिर वापस क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक. तो दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ एंगुलर SHM. देयरफॉर टाउ प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, व्हाट माइनस साइन इंडिकेट्स, दैट रीस्टोरिंग टॉर्क एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट इन डायरेक्शन, टाउ इक्वल टू माइनस सी थीटा. वहाँ पे क्या था, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, के वॉज फोर्स कॉन्स्टेंट. यहाँ पे सी को क्या बोलेंगे मालूम है, थीटा को नीचे लेके आओ, तो क्या होगा, रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. और जैसे के वॉज फोर्स कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पे सी को टॉर्क कॉन्स्टेंट बोल सकते हैं. दैट इज द सिंपल एंगुलर SHM.